हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। सबसे पहले हमने पनीर बटर मसाला बनाया था, उसमें सटल स्पाइसेस होते हैं। उसके बाद हमने कढ़ाई पनीर बनाया था, उसमें कैप्सिकम, अनियन, टमाटर को क्यूब्स में काट के पनीर की ग्रेवी में हम उसे बनाते हैं। और उसके बाद में हमने बनाया था पालक पनीर, उसमें पालक की प्यूरी होती है और ग्रेवी होती है। और इन सबको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक ऑल इन वन पनीर का मसाला बनाया है, जो आप हर पनीर की डिश में आप डाल सकते हो। वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा आपकी हर पनीर की डिश को। या आप गरम मसाला भी डाल सकते हो, या आप पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो। ये मसाला डालने से क्या होता है कि जो सब्जी है उसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। आप खड़े मसाले भी डाल सकते हो। खड़े मसालों को कैसे करना है, खड़े मसालों को पहले अनियन के साथ फ्राई करना है, उसके बाद में पीसना है, उसके बाद में छानना है उसे। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और अगर आपके पास ये पनीर मसाला है तो ये बहुत हैंडी होता है, बहुत फटाफट काम हो जाता है और आपको पीसने करने का झंझट नहीं होता। ये पनीर की सब्जी तो हम बहुत इजीली फटाफट बना लेते हैं। बहुत लोगों को पनीर की सब्जी बहुत टफ लगती है, तो इजी वे में हम कैसे बनाएंगे ये आज हम देखेंगे। अगर आपके पास सारे स्पाइसेस अवेलेबल नहीं हो तो आप, मैंने जो फ्रैंकी मसाला बनाया है वो भी आप डाल सकते हो। उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है। तो और अगर आप होममेड पनीर बना के इसमें डालोगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रेश पनीर का स्वाद एकदम अलग ही होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी मैंने मेरे चैनल पे डाला है। अगर आप फ्रोज़न पनीर यूज़ कर रहे हो तो उसको डिफ्रॉस्ट कैसे करना है, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसे लाना है, वो भी मैंने बताया है। अगर आप उस तरीके से बनाओगे तो आपका पनीर एकदम सॉफ्ट बनेगा और आपकी सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो सिंपल वे में हम देखेंगे आज मटर तो सिंपल वे में हम देखेंगे आज मटर पनीर कैसे बनाते हैं। हमने जो पनीर का मसाला बनाया है उसमें फेनुग्रीक लीव्स, जो कुछ आप खड़े मसालों में डालते हो, वो हमने पाउडर फॉर्म में पहले ही बना के रखा है। ये बहुत हैंडी होता है, आप ज़रूर बनाइएगा इसे। और हमने नो ऑनियन नो गार्लिक पनीर की ग्रेवी भी बनाई है, पनीर ग्रेवी मसाला भी बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसका भी स्वाद इक्वली आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए यह है हमारे इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए मटर पनीर, यह हमारा होममेड पनीर है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। यह है दही, लाल मिर्च, यह हमारा ऑल इन वन पनीर मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। हल्दी, अदरक, लहसुन, आप इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये सिंपली हमने टमाटर की प्यूरी बना ली है, टमाटर को पीस के ये हमने बारीक चॉप कर लिए है, चॉपर में मैंने चॉप किया है। नमक, काजू का पेस्ट और घी, बटर भी यूज़ कर सकते हो, तेल भी यूज़ कर सकते हो आप। तो सबसे पहले पैन में हमने घी ले लिया है, आप बटर भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो। इसमें हम डालेंगे हमारे मिंस्ड अनियन, इसको हमने चॉपर में एकदम बारीक चॉप कर लिया है, आप इसे ग्रेट भी कर सकते हो। अनियंस को सौते करके उसका प्योरे भी बना सकते हो। अगर आप एकदम बारीक अनियंस काटोगे तो आपको प्योरे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एकदम पकने के बाद प्योरे हो जाएंगे। तो इसको हम सौते करेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसे ब्राउन करना है, इसका कच्चापन बिल्कुल भी निकालना है। इसके बाद हम डालेंगे हमारा अदरक और लहसुन, आप पेस्ट भी डाल सकते हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट पीस करके डाल सकते हो, कूट करके डाल सकते हो। आप
अनियंस के पहले भी जिंजर गार्लिक डाल सकते हो, मैं बाद में डालना पसंद करती हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अनियंस एकदम ब्राउन होने चाहिए और एकदम कच्चापन इसका निकल जाना चाहिए। फिर हम हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि अनियंस, लहसुन और अदरक जल्दी से पक जाए, उनका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। अनियंस हमारे एकदम ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। ये हमारा ऑल इन वन पनीर मसाला है, ये बहुत हैंडी होता है। आप खड़े मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन फिर उसको पीसना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो मैं हमेशा पनीर का मसाला बना के रखती हूँ। इससे अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। ये एक प्रीमिक्स की तरह है, तो आपको इसमें अलग से कसूरी मेथी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब आ जाता है फ्लेवर के लिए। बहुत अच्छा लाइट फ्लेवर आता है सब्जी का, क्योंकि सब चीज़ें बराबर मात्रा में होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पनीर मसाला, आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये थोड़ा रेडिश होता है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी है। फटाफट से कलर आने के बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और डाल देंगे दही, और इसे हाई फ्लेम पे स्टर कर लेंगे, वरना दही फट जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर का प्योरे। हमने सिंपली टमाटर को पीस लिया था मिक्सर में, और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसका कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसे अच्छे से फ्राई नहीं करते तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है खाने में। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद 2 मिनट ढक देने के बाद ये देखिए इस तरीके से ऑयल अलग हो गया है। बस यही हमें चाहिए। काजू का पेस्ट बनाने के लिए सिंपली हमने काजू को थोड़ा सा पानी या दूध मिला के पीस लेना है। यह है काजू का पेस्ट। इससे हमारे सब्जी में बॉडी आएगी, वरना क्या होगा, पानी पानी अलग जाएगा, सब्जी सब्जी अलग जाएगी। तो इसके जगह पर आप मेलन सीड्स जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे हम रिचनेस के लिए और थिकनेस के लिए डालते हैं सब्जी में। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और डालेंगे मटर, आप कच्चे मटर भी यूज़ कर सकते हो, ये फ्रेश मटर है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर, ये हमारा होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। ये मैं हमेशा फ्रेश ही बना के डालती हूँ सब्जी में। इसको अगर आपके पास फ्रोज़न पनीर हो उसको रिफ्रॉस्ट कैसे करना है वो भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ढक दे के एक बार रख देंगे। स्लो फ्लेम कर दिए हमने। तो ये देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया रेडी हो गई है। पनीर ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है। कितनी बढ़िया बनी है। इसका सबसे ज़्यादा टेस्ट इसके मसाले से आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो बनाना। तो आप भी जाए ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग। कीप वॉचिंग।